तो ग्राफ का जो फंक्शन है उस फंक्शन का जो वर्टेक्स है उसको मालूम करने के लिए सबसे पहले फंक्शन को हमको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर। तो इस फॉर्मेट में हमको ग्राफ का जो फंक्शन है उसको लाना होगा। तो इसको इस फॉर्मेट में लाते हैं, और इसको इस फॉर्मेट में लाने के बाद इसको जीरो करते थे और इसको जीरो करते थे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू जीरो, तो वाई इक्वल टू यहाँ से वाई वन मिल जाएगा, और एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू एक्स वन मिल जाएगा। तो हमारा जो वर्टेक्स क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया एक्स वन वाई वन, ये हमारा वर्टेक्स हो गया। तो कुछ ऐसा हो गया, ये हमारा वर्टेक्स हो गया, तो इसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या हो गया, एक्स वन वाई वन, ये हो गया वर्टेक्स। तो वर्टेक्स फाइंड करने के लिए ग्राफ को जो फंक्शन दिया हुआ है उसको वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सम फंक्शन के टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और इसके बाद इसको जीरो करते हैं, इसको जीरो करते हैं, ओके। हाँ, तो इसको जीरो करने पे ये हो गया वर्टेक्स। हाँ, अब यहाँ पे ग्राफ कहाँ पे कट कर रहा है, तो इसको कहाँ पे कट कर रहा है, तो ए पॉइंट क्या होगा, तो इस पॉइंट पे वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो इसमें एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो वाई जो कट करा वो मिल जाएगा, उसको आगे बताते हैं। हाँ, तो यहाँ पे इसको दिखते हैं, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसको किस फॉर्मेट में लाना होगा, इसको हमको लाना होगा वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर। तो इसको इस फॉर्मेट में लाते हैं, तो यहाँ पे देखिए, तो वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो क्या करते हैं, यहाँ से ए कॉमन ले लेते हैं, जैसे ही ए कॉमन लेंगे यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी। वाई इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस, इसका एक्स का कोफिशियंट का हाफ यानी बी वाई टू ए इसका स्क्वायर करेंगे, और एक्स का कोफिशियंट का हाफ का स्क्वायर सबट्रैक्ट करेंगे, यानी बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर को सबट्रैक्ट करेंगे, और ये प्लस सी को अलग रखेंगे, क्या होगा, प्लस सी को अलग रखेंगे, और यहाँ से ए मल्टीप्लाई में, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई में, इसके साथ भी मल्टीप्लाई में। अब यहाँ से क्या करते हैं, वाई इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का स्क्वायर हो गया, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस बी अपॉन बी स्क्वायर अपॉन फोर ए प्लस सी। तो कुछ ऐसा होगा, अब इस टर्म को इस साइड लाते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा वाई प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए माइनस सी, ये इधर आ गया, और ए इंटू एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का स्क्वायर हो गया। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए यानी डी अपॉन फोर ए। तो यहाँ से वाई प्लस डी अपॉन फोर ए मिल जाएगा, और यहाँ से ए इंटू एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का स्क्वायर। अभी इसका वर्टेक्स फाइंड करने का कोशिश कर रहे हैं, क्या इसका, सबसे पहले इसका वर्टेक्स फाइंड करेंगे, और वर्टेक्स फाइंड करने के लिए इस फॉर्मेट में लाना होगा जो कि हम लोग का इस फॉर्मेट में आ चुका है, वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू यहाँ पे सम कॉन्स्टेंट के, यहाँ पे भी सम कॉन्स्टेंट ए है, और एक्स माइनस एक्स वन, तो एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का स्क्वायर। जब इसको जीरो करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा वाई कोऑर्डिनेट, और इसको जीरो करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसको जीरो करेंगे एक्स प्लस बी अपॉन टू ए इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, माइनस बी अपॉन टू ए। जब इसको जीरो करेंगे वाई प्लस डी अपॉन फोर ए, तो यहाँ से मिल जाएगा वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई का वैल्यू कितना होगा, माइनस डी अपॉन फोर ए। तो जो ग्राफ का कोऑर्डिनेट है वो क्या मिल गया, वर्टेक्स मिल गया, एक्स वर्टेक्स और वाई, वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट वो मिल गया, माइनस बी अपॉन टू ए और माइनस डी अपॉन फोर ए। हाँ, तो इसको इरेज कर रहे हैं, तो वर्टेक्स क्या मिल गया, वर्टेक्स मिल गया माइनस बी अपॉन टी टू ए एंड माइनस डी अपॉन फोर ए। हाँ, तो इसका जो ग्राफ बनेगा इस तरह का ग्राफ बनेगा, और वर्टेक्स क्या मिल गया, वर्टेक्स मिल गया माइनस बी अपॉन टू ए जो कि एक्स एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया, और माइनस डी अपॉन फोर ए जो कि वाई कोऑर्डिनेट मिल गया, तो हो गया वर्टेक्स। हाँ, अब ये जो ग्राफ है एक्स वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा, वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो वाई एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो। तो इस जो ग्राफ यहाँ पे वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसमें एक्स की वैल्यू को जीरो पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू को जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे जो कट कर रहा है वो वैल्यू मिल जाएगा। तो जीरो पुट करने पे ये जीरो हो गया, ए जीरो हो गया, यानी वाई इज इक्वल टू सी, यानी ग्राफ को जीरो कोमा सी पे कट कर रहा है, अति वाई एक्सिस को जीरो कोमा सी पे कट कर रहा है। तो ये हो गया वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हाँ, अब मैं पूछूँ कि ग्राफ को एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, ग्राफ को जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो उसके लिए देखते हैं। जैसे मानते हैं कि ये ग्राफ हुआ, और ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ए कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस बी अपॉन टू ए, और ये आ गया माइनस डी अपॉन फोर ए, तो वर्टेक्स ये हो गया, ये हो गया, इसको बोल देंगे अल्फा, इसको बोल देंगे बीटा, तो ये ग्राफ है। तो यहाँ पे इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे
जो बाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो। यहाँ से बाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो। यहाँ पे भी बाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो। यानी यहाँ पे बाई की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, जैसे बाई की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मिलेगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से दो वैल्यू मिलेगा, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो इसका पक्के से दो रूट होगा। एक रूट को अल्फा बोल देते हैं, एक रूट को बीटा बोल देते हैं, तो यहाँ से क्या मिल गया, दो रूट। तो इसको बोल दिए अल्फा, इसको बोल दिए बीटा, तो क्या आ जाएगा, अल्फा कोमा जीरो और बीटा कोमा जीरो। तो जब ग्राफ होगा जो एक्स एक्सिस को कट करेगा वो क्या होगा, रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन का वो रियल रूट्स होगा। अब कुछ ऐसा भी हो सकता है सिचुएशन कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो क्या इसका रूट, इसका जो है रूट नहीं होगा। हाँ, इसका भी रूट होगा। यदि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं भी कर रहा है तब भी उसका रूट होगा, बट उसका रूट रियल नहीं होगा। कैसा होगा, इमेजिनरी रूट होगा। यहाँ पे जीरो कोमा सी पे कट कर रहा है, जो हो गया अल्फा कोमा जीरो बीटा कोमा जीरो। और ये जो अल्फा और बीटा एक्स एक्सिस को जो पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्शन है उसको बोलेंगे रूट, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे। तो इसको कॉपी कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इस पर कुछ क्वेश्चन, इसको कॉपी कर लीजिए।